अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेटेंट इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल और ह्यूमन क्लोनिंग में पेटेंट इश्यूज़ कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेटेंट इश्यूज़ कहते किसे हैं, मतलब पेटेंट कैसे किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पेटेंट क्या है? पेटेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी को, मतलब कि एक राइट दिया जाता है कोई चीज़ बनाने का। मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, तो उसको मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने का उसको राइट दिया जाता है उस इंसान को, ठीक है, और उसके उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई और ये सब काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस होता है, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट सिर्फ उसी चीज़ को लाइसेंस देगी जो कि एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, जो ठीक होगा, जो अच्छा होगा। तो जो एनिमल और ह्यूमन क्लोनिंग था, इसको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो अब इसके अंदर जो पेटेंट इश्यूज़ क्या थे, अब पेटेंट जब पेटेंट करते हैं तो उसमें जाहिर है कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, तो अगर वो ये सारे रूल्स जो हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये इन रूल्स के खिलाफ थे, तो जाहिर है इसलिए जो है हम इन्हें कहते हैं पेटेंट इश्यूज़। सबसे पहले है इंटरफेरेंस विद द नेचुरल वर्ल्ड, फिर है डी वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फैमिली फार्म, कमर्शलाइजेशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च और एनिमल सफरिंग। अच्छा, ये इसके अंदर ये जो सारा मटेरियल है, ज़्यादा ज़्यादा देख के परेशान नहीं होना, हम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है इंटरफेरेंस विद द नेचुरल वर्ल्ड। जो एंटी पेटेंटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि जो वो लोग जो कि इसके खिलाफ थे, उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि ह्यूमन बींग्स उन चीज़ों को कंट्रोल करें जो कि नेचुरल फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ों को कंट्रोल करें, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये कहा गया कि मतलब इसका मतलब ना सिर्फ ये है कि प्लेइंग गॉड, बल्कि इसका मतलब है अज्यूमिंग डोमिनियन ओवर गॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अज्यूमिंग डोमिनियन ओवर गॉड, यानी कि मतलब अल्लाह ताला के ऊपर कंट्रोल करने वाली बात है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि जो काम अल्लाह ताला नहीं चाहते वो काम आप अपनी मर्जी से करेंगे, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स बनाने की सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक मतलब एक लीडर है जर्मी रिफकिन, ये इस सब के ख़िलाफ़ था, ठीक है, उसने अपना गुस्सा जाहिर किया था इन फॉर्म्स के ख़िलाफ़, उसने ये वर्ड यूज़ किया था स्पीशीज़ इंटेग्रिटी। उसका कहने का मकसद ये था कि जो हर जो स्पीशी है, ठीक है, हर स्पीशी का ये हक है कि वो एक सेपरेट और आइडेंटिफाइबल क्रिएचर के तौर पर एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो लेकिन ये जो जीन क्लोनिंग से जो बनते हैं, वो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, वो कोई अलग उनकी आइडेंटिटी नहीं होती, वो पहले से किसी के तरह के होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह के होते हैं। अच्छा, उसके अब जो सपोर्टर्स हैं और रिफकिन, उसने क्या कहा था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह ये जो बनते हैं, इनका जो है, जो इनके जो नतायज हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसके नतायज जो हैं वो गलत हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, ठीक है। उसने कहा था कि जो इन्वायरमेंट है, इसके साथ इसमें जो मुदाखलत करने के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होते, जैसे इसमें ज़ाहिर है हम क्या करते हैं, नेचर को हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, नेचर को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हिस्ट्री में काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ह्यूमन के पास इतनी समझ नहीं है कि वो जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल कर सके बगैर किसी नुकसान के, ठीक है, जब भी वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कोई ना कोई नुकसान होगा। उसके अलावा इसमें एक और कंसर्न था कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो जाएगी, सब सब एक जैसे हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ग्रुप्स, उन्होंने ये कहा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, ये अगर वाइल्ड एनिमल्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं, जीन क्लोनिंग से बनाते हैं, तो जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब अब ये प्रिडिक्शन थी कि अगर ये सब कुछ होता रहा इसी तरह से, तो इसका मतलब ये कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया, तो इसका मतलब ये कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि नेचुरल वर्ल्ड ख़त्म हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये कि नेचुरल वर्ल्ड ख़त्म हो रही है या नेचुरल वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी इससे, तो ये प्रेडिक्शन उन्होंने की थी। खैर, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है हमारा डीवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, तो इसके थ्रू हमने देखा गया कि डीवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ थी। इसमें कुछ जो इसके मतलब साइड पे थे, उन्होंने कहा कि जो क्रिएचर्स बनती हैं इनको ह्यूमन बेनिफिट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब देखते हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइब्रिड्स बनाए थे शीप एंड गोट का, ठीक है, उन्होंने शीप एंड गोट का हाइब्रिड बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो इन्होंने डॉली शीप बनाई थी उसके केस में जो है 277 अटेम्प्ट जो थी वो पहले की गई थी और उसके बाद उनको कामयाबी मिली थी, ठीक है। तो इसमें देखा जा सकता है कि
कितने सारे जो हैं पहले वो नहीं सही हुए और उसके बाद जो है कहीं जाके सही हुए थे। खैर उसके बाद, अच्छा अब ये जो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ की उन्होंने उन्होंने हाइब्रिड बनाया था ना, तो इससे आगे फिर ये पॉसिबिलिटी थी कि चिंपैंजी और ह्यूमन का भी हाइब्रिड बनाया जाएगा, जो कि मतलब सुनने में ही अजीब लगता है, ठीक है, कि चिंपैंजी और ह्यूमन का हाइब्रिड बनाया जाएगा। तो इससे जो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है वो उसको ख़तरा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही इससे ख़त्म हो जाएगा अगर हम जो है जानवरों के और इंसानों के हाइब्रिड बनाने लग जाएंगे। उसके अलावा सारी जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये नहीं पता कि फीटल डिवेलपमेंट की कौन सी स्टेज पे हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ है। तो होता ये था कि जो एम्ब्रियो है उससे स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते और उसको जो है आगे जो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, ठीक है, जो वर्स्ट डिजीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता। तो अब जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने यहाँ पर यह ऑब्जेक्शन दिया कि जो स्टेम सेल्स हैं उनको जब एम्ब्रियो से जब हम निकालते हैं तो उससे एम्ब्रियो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से तो एक गिफ्ट है, तो अगर एम्ब्रियो में से अगर स्टेम सेल को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो उससे एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि एक ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एम्ब्रियो को हम ये कह सकते हैं कि वो एक टाइनीस्ट ऑफ ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो इससे जो है अगर ये सब कुछ होता रहा तो इसका मतलब कि ह्यूमन लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, ह्यूमन लाइफ को जो है वो डीवैल्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फैमिली फार्म। सर्वाइवल ऑफ द फैमिली फार्म में ये है कि मतलब इससे जो है ख़तरा था फैमिली फार्म के सर्वाइवल को भी, यानी कि जो एक मतलब एक ट्रेडिशनल एक सारा तरीका है, ठीक है, उसको भी ख़तरा था। जैसे अब काफ़ी फार्मर्स जो हैं वो उनको ये ख़तरा था कि अगर तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स को पेटेंट राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह उनको लाइसेंस फ़ी वगैरह जो है वो देनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। और उनको ये था कि इससे ये होगा कि मतलब बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके उनके जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचेगा, उनका जो रहने सहने का तरीका है, सारे कल्चरल कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा फार्मर्स को ये भी एक मतलब कि उनको ये भी एक परेशानी थी कि जो ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस होंगी, जो कि नंबर में तो थोड़ी सी हैं, ठीक है, कुछ जो हैं कंपनीज जो हैं ये पूरी मार्केट का कंट्रोल ले लेंगी, ठीक है, पूरी मार्केट का कंट्रोल ले लेंगी, जिससे फार्मर्स को ज़ाहिर है नुकसान होगा। उसके अलावा इसमें हम ये देख सकते हैं कि कुछ कंट्रोल, जैसे अच्छा अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, जिस तरह पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, वहाँ पर अब उन्होंने फार्मर्स को हायर किया, ठीक है, फार्मर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो फार्मर्स पहले जो कि अपनी एक ज़मीन के ऊपर अपना काम कर रहा था, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, अब जब वो एक पोल्ट्री फार्म के अंदर काम कर रहा है या एक किसी और जगह पर काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर एक ही काम कर रहे हैं, तो वो उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअल फार्मर की जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो किराए पर काम करने लग जाएंगे फिर। तो ये था सारा सर्वाइवल ऑफ द फैमिली फार्म, यानी कि एक ये जो मतलब एक जो ट्रेडिशनल जो फैमिली फार्म है वो उसका सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है इससे। नेक्स्ट है एनिमल सफरिंग। अब इस सारी चीज़ में एनिमल या ह्यूमन हम कह सकते हैं ये भी सफ़र करते हैं। पहले हम एनिमल सफरिंग, फिर मैं ह्यूमन सफरिंग का भी थोड़ा सा बताती हूँ। तो यानी कि जो कस्टम डिज़ाइन क्रिएचर्स बनती हैं, ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन क्रिएचर का मतलब यानी कि जो अपनी मर्ज़ी की क्रिएचर्स बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ट्रांसजेनिक पिग्स थे जिनको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जीन्स दिए गए थे, उनमें आर्थराइटिस था, ठीक है, एंड क्रोज्ड आइज, और वो पहले ही मतलब कि वो मर गए थे, प्री मेच्योर उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स जो थे उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन दी कि जो ये जो नई तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, जिस तरह हमने पहले बात की है कि जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं तो उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो जब ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी तो उनका जो इलाज है वो अभी तक कोई भी नहीं पता, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट नहीं पता कि किस इस तरह की जो कंडीशंस है उनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं दे सके वो, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एनिमल सफरिंग के अंदर मैंने आपको कहा कि मैं ह्यूमन का भी बताऊंगी, तो उसके अंदर ये होगा कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ह्यूमन उन्होंने मतलब कि इस तरह से जब बनाने की कोशिश की, जिस तरह सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो एक तो ऑपरेट होगा, ठीक है, उसमें जब ऑपरेट होगा तो उसमें सफ़र करेंगे, ज़ाहिर है दोनों को पेन होगा, डोनर को भी और सरोगेट को भी, ठीक है। उसके बाद जब
जब वो क्या कहते हैं, जब वो फीटस डिवेलप होता है तो उसकी उसका जो है वो वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है उनको करना पड़ता है फिर सी सेक्शन वगैरह करना पड़ता है, जो कि दोबारा एक पेनफुल चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी सफरिंग होती है। उसके अलावा जब जीन क्लोनिंग के प्रोसेस वगैरह होते हैं, तो इसमें एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि मतलब जैसे हमने सबसे शुरू में भी बात की थी कि डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद इसका कोई रिजल्ट निकलता है। तो अब हम ट्रायल के तौर पे अगर कोई ह्यूमन बनाते हैं तो वो कितनी मतलब गलत बात होगी, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं एथिकल एथिकल जो हैं क्या कहते हैं उसको, एथिकल इश्यूज़ वगैरह, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च। अच्छा, अब पेटेंटिंग की वजह से एक सीक्रेसी होती है, मतलब इसमें ये होता है कि जो एकेडमिक रिसर्चर्स जो आपस में पहले अपना मटेरियल वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। वो अब एक सीक्रेसी आ जाएगी। अब जब एक सीक्रेट आएगा मतलब हर कोई अपना काम छुपाएगा, ठीक है, अपना काम एक दूसरे को नहीं दिखाएगा, उससे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अनदर वरी इज़ दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव विल लेड एकेडमिक रिसर्चर्स टू सेव। अच्छा, अब यहाँ पर ये होगा कि इनको एकेडमिक रिसर्चर्स को ये कहा जाएगा कि जाहिर है वो ऐसी जगह पर मूव कर जाए, ऐसी जगह पर जाकर अपना काम करें जो कि उनके लिए मुनाफे बख्श है, ठीक है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये भी सही नहीं है, ये यानी कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए जो है ये क्रिटिकल है। उसके अलावा एक ये इशू है कि ये जो फैकल्टी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जब ये सारा काम करेंगे, कमर्शियली ये सारा काम करने लग जाएंगे, तो अपनी जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो ये निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो थे क्या कहते हैं उसको, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो सारे इसके अंदर आते हैं, पेटेंट इश्यूज आते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की भी समझ आई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।